सर्वाइकल इंसर्क्लाज मतलब थैली के मुंह को यानी जो सर्विक्स है उसको स्टिच डालना, यानी उस पे वहां टाका डालना, उसे हम सर्वाइकल स्टिच कहते हैं। सर्वाइकल स्टिच कब डालना चाहिए? सर्वाइकल स्टिच यानी थैली के मुंह को टाका 12 हफ्तों के बाद, जबकि एंटी स्कैन हो जाए यानी न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी सोनोग्राफी, जिसमें ये जो बच्चा है इसका सोनोग्राफी करके पता चले कि ये बच्चा पूरी तरह से ठीक है, फिर ही हम ये थैली के मुख को यानी सर्वाइकल स्टिच यानी थैली के मुख को टाका डालते हैं। थैली के मुख को टाका डालने की सलाह किसे और क्यों दी जाती है? जब प्रेगनेंसी IVF के द्वारा रही हो, या फिर ट्विन्स प्रेगनेंसी है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, यानी थैली का मुख यानी ये सर्विक्स एक बच्चे से ज्यादा बच्चों का वजन सहन करते वक्त जल्दी खुल जाने के चांसेस है और प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए यानी प्रीटर्म डिलीवरी ना हो या फिर अबॉर्शंस ना हो, इसके लिए हम थैली के मुख को टाका डालते हैं। जब सर्वाइकल स्टिच डाला हुआ होता है तो सर्विक्स का लेंथ यूजुअली 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, थैली का मुंह बंद रहता है और प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस बच जाते हैं। तो इससे बच्चा NICU में जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और पेशेंट प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस और अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं।